कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम बड़सर विधानसभा की ग्राम पंचायत गारली में कांग्रेस सेवा दल की सह संयोजक ज्योति खन्ना की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश इंटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महासचिव कांग्रेस राजीव राणा ने शिरकत की। राणा ने अपने संबोधन में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव को देखकर हमीरपुर संसदीय सीट के सांसद अनुराग ठाकुर को अब जनता की याद आ रही है। राणा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हर बार एक नए जुट के साथ जनता को गुमराह किया है। राणा ने सांसद के दौरे को स्टंट मात्र बताते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि भानुपल्ली से बिलासपुर हमीरपुर रेल लाइन के बजट के नाम पर कई सालों से वो गुमराह कर रहे हैं, जो रेल लाइन कहां तक पहुंची। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में यूथ नॉलेज सेंटर खोलने की घोषणा भी की थी। वो जनता को बताएं कि कहां खुले। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां से जीत के आ रहे हैं, लेकिन हालत लोगों की और जो सांसद निधि है वो अपने चहितों के सिवाय जो है किसी को नहीं बांट रहे। आज मैं आपके माध्यम से सांसद अनुराग ठाकुर जी से ये पूछता हूँ कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो आप हर बजट में जो है हमीरपुर के लोगों को जो है गुमराह करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए 250 करोड़ का बजट हो गया, इसके लिए इतने करोड़ का बजट हो गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद जी आप आज भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पे हैं, तो आप ये बताइए कि आपने रेलवे लाइन मोदी सरकार द्वारा कहाँ तक बिछा दी। आप यूथ नॉलेज सेंटर की बात करते हैं कि हमारा यूथ जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो आप ये बताइए कि आपने यूथ नॉलेज सेंटर कहाँ खोले। राणा ने आरोप लगाया कि हर फिल्मी विज्ञापनों की तरह सांसद ने झूठ ही झूठ कहा, आज युवाओं को गुमराह किया। और ये भी बताएं कि नादौन में बनने वाले स्पाइस पार्क का काम क्यों रुकवाया गया। संसदीय क्षेत्र में जिम कहां खुले। राणा ने कहा कि अपने पिता की तरह हार का डर सता रहा है, तभी इस तरीके की स्टंटबाजी और कार्यक्रमों से फिर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु इनके लिए नई बात नहीं। जो शख्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय में झूठा हल्फनामा दाखिल कर सकता है, वो किसी भी को भी गुमराह कर सकता है। पर जनता अब समझ चुकी है, 15 सालों से गुमराह करने की कोशिश अब नाकामी होगी और सांसद अनुराग ठाकुर को पिता की तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा। माननीय लेफ्टिनेंट सांसद अनुराग ठाकुर जी, आपने अपने लिए तो स्टार लगवा दिए, पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लाखों गरीब परिवार के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज भी पुलिस की भर्ती के लिए रो रहे हैं, रोजगार के लिए रो रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए रो रहे हैं। आज आप जिम खोलने की बात करते हैं, वो जिम कहाँ है बताया जाए। आज आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो बताइए कि आपने हमारी माताओं बहनों को कहाँ स्वावलंबी बनाया। आज सिर्फ अच्छे दिन के नाम पे जो है लोगों में लूट घसूट की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अनुराग जी, आपने सांसद की निधि, आप लोग कहते हैं कि हमने गरीब से गरीब तबके के लिए लोगों के लिए जो है कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी लोगों को बताएं। सिर्फ विज्ञापन में दिखने मात्र से जो है आम जनता का विकास नहीं होगा, आम जनता का विकास आम लोगों के बीच में जाने से होगा। मैं धन्यवादी हूँ बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र दत्त लखनपाल जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए निरंतर दिन रात कार्य किए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, व्यक्तिगत तौर पे वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और विडंबना इस बात की है, प्रदेश की वर्तमान सरकार को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 महीनों में सरकार द्वारा कोई ठोस नीति ऐसी कोई लागू नहीं की गई जिसकी वजह से जो है आम जनमानस को जो है ये सुविधाएँ मिल सके। और ऊपर से हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड, इसके तहत पिछली सरकार ने 3,500 वॉशिंग मशीनें जो है सिर्फ हमीरपुर जिले में लागू की थी और दी थी, आज लोग वॉशिंग मशीनों की शक्ल देखने के लिए तरस गए हैं। आज लोगों को बजट नहीं मिल पा रहा है, आज लोगों को इंडक्शन चूल्हे नहीं मिल पा रहे, आज लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे, आज मनरेगा में काम नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आज प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार जो है ये आम जनमानस के प्रति जो है उदासीन रवैया लेके बैठी हुई है। इस कार्यक्रम में प्रधान वंदना कुमारी, बीडीसी किशन चंद, वार्ड सदस्य निशा देवी, संजय शर्मा, वार्ड सदस्य सुशीला देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.